आज की बड़ी सियासी खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। विधानसभा में शक्ति परीक्षण हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है। बीजेपी 28 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। विधानसभा से बाहर निकले बीजेपी विधायक, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि शक्ति परीक्षण में धन बल का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी ने कहा कि जितने हमारे साथ थे उतने ही रहे। ये बड़ी जानकारी। फ्लोर टेस्ट खत्म हो गया है उत्तराखंड में और फिलहाल जो संकेत मिले हैं वो ये कि बीजेपी ने हार मान ली है। 28 का आंकड़ा पार करना था लेकिन बीजेपी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई। इधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि शक्ति परीक्षण में धन बल का इस्तेमाल किया गया है और शक्ति परीक्षण पूरा। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने हार मान ली, क्योंकि जैसे संकेत मिले, जैसी बातें कही जा रही है, बीजेपी की तरफ से आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि इस फ्लोर टेस्ट में, शक्ति परीक्षण में धन और बल का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी ने कहा कि जितने हमारे साथ थे उतने ही हैं, जबकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि बीजेपी ने हार मान ली है। एक बार फिर से आपको बता दें बड़ी जानकारी, उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण हो गया है और फिलहाल माना जा रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है, क्योंकि बीजेपी 28 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। विधानसभा से बाहर निकल आए हैं बीजेपी विधायक और बीजेपी नेताओं ने आरोपों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कहा कि इस फ्लोर टेस्ट में धन बल का इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि आज उत्तराखंड में 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। फ्लोर टेस्ट किया जा रहा था और इसके जरिए अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर स्थिति सियासी तौर पर उत्तराखंड में रहेगी क्या। फिलहाल फ्लोर टेस्ट खत्म हो गया है और जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, जैसी जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी ने हार मान ली है, क्योंकि बीजेपी 28 का आंकड़ा नहीं छू पाई। आपको बता दें कि इसके पहले बीएसपी ने भी कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया था। इधर लगातार जानकारी ये मिल रही थी कि कांग्रेसी खेमा एकजुट है। संकेत मिल रहे थे कि हरीश रावत को यहां पर राहत मिल सकती है। इसी बीच अब शक्ति परीक्षण पूरा, कुछ ही पलों में तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी।